हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल, अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज। सो दिस इज योर फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, मैटर। इन योर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, देन आफ्टर विच वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अ कंपेरिजन बिटवीन ऑल द 3 स्टेट्स, इट मीन्स इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट। नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, इट मीन्स अगर हमारा कोई मैटर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, देन हम उसको कैसे किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर कोई हमारा मैटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम उसको कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर दैट हम उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसका क्या करें, इसका अगर हम उल्टा करें, यानी कि अगर कोई मैटर गैसेस स्टेट में है देन हम उसको कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो सबसे सिंपली अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्टेट्स की, सो बेसिकली हमने 3 स्टेट्स को स्टडी किया। सबसे फर्स्ट स्टेट हमारी कौन सी है? सबसे फर्स्ट स्टेट है हमारे पास सॉलिड स्टेट, देन आफ्टर विच सेकंड स्टेट हमारे पास क्या आती है, दिस इज द लिक्विड स्टेट, एंड द लास्ट वन इज द गैसियस स्टेट। So, ये हमारे पास क्या है, ऑल दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो ये हमने अच्छे से इनके सभी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या किया, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। नाउ अब अगर मैं बात करूं इन तीनों ही स्टेट्स की, सो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं बात करूं यहां पे, सो ऑल दीज थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। इट मीन्स ये तीनों स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को अगेन लिक्विड में, और लिक्विड को अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट होता है। सो दैट्स व्हाई हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऑल दीज 3 स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सो लाइक दैट जैसे मैं सिंपली एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, सो सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास वोटर है, वोटर नहीं, सबसे पहले हम सिंपली आइस की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, आइस है। अब आइस क्या है, आइस सिंपली वोटर की एक फॉर्म है, और कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती है ये हमारी एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। देन आफ्टर विच अगर मैं बात करूं वोटर की, सो वोटर हमारा कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बेसिकली लिक्विड स्टेट हो गई। एंड देन अगर मैं बात करूं वेपर्स की, तो वेपर्स हमारे कौन से स्टेट हो जाएंगी, सो वेपर्स हमारे यहाँ पे गैसेस स्टेट हो जाएंगी। So, अब देखिए, ये मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा है तीनों स्टेट के, सॉलिड स्टेट भी, लिक्विड भी और गैस स्टेट भी। नाउ अब हम इनको कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सपोज अगर मैं यहां पे क्या करूं, आइस है, वोटर है, वोटर है एंड वेपर्स है। सो सिंपली अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, आइस को मैं हीट करूं, क्या करूं, मैं आइस को हीट करूं, देन ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉटर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन अगेन अगर मैं यहां पे क्या करूं, वॉटर को हीट करूं, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट, यानी कि गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट। अब ऐसे नहीं कि हम इनको कितनी भी हीट दे कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, हमें इनको हीट क्या देनी पड़ेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट में देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाए, अगर टेम्परेचर हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉटर में। और अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, टेम्परेचर हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तो वॉटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। सो इस राशन सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पे वेपर्स की, तो वेपर्स को हम वॉटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली कूल कर दूंगा। जैसे ही मैं कूल करूंगा तो वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वॉटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ अगेन अगर मैं वॉटर को कूल करूं, देन ये वॉटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस में क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वॉटर किस में, सॉलिड स्टेट में, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ हम इस तरह से इजिली क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इजिली किसी भी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो
ये तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया, एक एग्जांपल स्टडी किया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो एक कन्वर्जन हुआ, यानी कि हीट दी, इधर हमने कूल किया, उधर हमने हीट दी और इधर हमने क्या किया, कूल किया। तो इनके लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ एप्रोप्रिएट प्रोसेसेस होती है, यानी कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होना एंड वाटर का अगेन आइस में कन्वर्ट होना। तो ये सभी जो कन्वर्जन हो रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए हमारे पास क्या होती है, एक एप्रोप्रिएट प्रोसेस होती है, यानी कि इस प्रोसेस को हमने क्या दिया हुआ है, एक नेम प्रोवाइड किया हुआ है। सो आगे हम उनको क्या करेंगे, अभी फर्दर आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूँ। सो समटाइम्स क्या होता है, कुछ हमारी ऐसी स्पेशल कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है, एक मैटर तीनों ही स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहां पे सिंपली, सो वॉटर की हम बात कर रहे थे अभी। सो वॉटर इन सम स्पेशल कंडीशंस, वॉटर इन सम स्पेशल कंडीशंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, इन ऑल द थ्री स्टेट्स। सो कुछ स्पेशल कंडीशन जब होगी, किसकी स्पेशल कंडीशन, बेसिकली टेम्परेचर की और प्रेशर की। सो उन स्पेशल कंडीशंस में वोटर क्या कर सकता है, तीनों ही स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे, सो एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये तो इतना अगर हमारा क्या हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, और 4.58 mm Hg प्रेशर, और इतना अगर हमारा क्या हो, प्रेशर हो, देन वॉटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी थ्री स्टेट। यानी कि वॉटर एक साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, आइस भी देखने को मिलेगी, वॉटर लिक्विड फॉर्म में भी और वेपर्स भी हमें क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ हमारी स्पेशल कंडीशंस हैं, सो इनको याद रखना, बिकॉज समटाइम्स इन कंडीशंस में से आपका क्या आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लाइक दैट आपसे पूछा जा सकता है, नेम द कंडीशंस इन विच वॉटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी थ्री स्टेट, आपको उन कंडीशंस बतानी है, देन आप सिंपली लिखोगे एट 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 4.58 mm Hg प्रेशर, वॉटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी थ्री स्टेट्स। सो लाइक दैट, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो देखिए, अभी हमने स्टडी किया, सो जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को भी स्टडी किया, देन हमने यहाँ पे कुछ सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो एक कन्वर्जन हो रहा है आइस से वॉटर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, देन वॉटर से वेपर यानी कि लिक्विड से गैस, एंड देन वेपर से वॉटर यानी कि गैस से लिक्विड, और वॉटर से आइस यानी कि लिक्विड से सॉलिड। सो इनके लिए हमने जो वो नेम प्रोवाइड किया है ना, जो प्रोसेस हमने एक प्रोवाइड किया है, सिंपली उसको नेम प्रोवाइड किया है। सो हम वन बाय वन उन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। सो चलिए अब हम बात करते हैं मेल्टिंग की, मेल्टिंग को हम स्टडी करते हैं। सो नाउ चलिए अब हम बात करते हैं, हाउ कैन अ सॉलिड मैटर चेंज इनटू अ लिक्विड। सो कैसे एक सॉलिड एक लिक्विड में चेंज हो सकता है, सो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। सो मेल्टिंग क्या होगी आपकी, सो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मैटर चेंज और कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड। सो चलिए देखते हैं सिंपली डेफिनेशन को। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड इनटू अ लिक्विड स्टेट यूजुअली बाय अप्लाइंग हीट। सो किसको अप्लाई करके, हीट को अप्लाई करके। सो देखिए बेसिकली जब कभी भी हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, सो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को अप्लाई करना पड़ेगा। बट जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग हीट, देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम सिंपली बोलेंगे मेल्टिंग। सो मेल्टिंग, आई होप आपके समझ में आ गई है। मेल्टिंग क्या होगी, मेल्टिंग एक वो प्रोसेस होगी जिसमें हम एक सॉलिड मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट, हीट की एक एप्रोप्रिएट अमाउंट को क्या करके, अप्लाई करके, या फिर उस सॉलिड को क्या करके, कुछ एप्रोप्रिएट अमाउंट में हीट प्रोवाइड करके। सो दैट्स हाउ एक सॉलिड जो होगा हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ
अब बात करते हैं कि अभी मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमने कुछ भी अमाउंट हीट की दे दी तो एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब देखिए वेरियस टाइप्स के हमारे सॉलिड होंगे, तो सभी वेरियस टाइप्स के जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए हमें वेरियस टाइप्स में या वेरियस अमाउंट्स में क्या करनी पड़ती है, हीट को सिंपली उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लाइक दैट, जैसे कि हमने वोटर अभी पीछे पढ़ा था, वोटर। सो वोटर की अगर मैं बात करता हूं, सो वोटर कौन सी स्टेट में, सपोज वोटर आइस है, वोटर कौन सा है हमारा, कौन सी स्टेट में, आइस में है। सो हमें क्या करना है, आइस से किस में कन्वर्ट करना है, इसको वोटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको वोटर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड स्टेट में। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये आइस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वोटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 0 से ऊपर होता जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे जो कन्वर्जन का रेट है आपका आइस का इंटू वोटर, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट्स हाउ हम सिंपली बोलते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में या एक फिक्स्ड अमाउंट में वहां पे हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब देखिए, अब आइस का वोटर में कन्वर्ट होना, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, एक फिक्स चाहिए होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होगा टेम्परेचर का। सो जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर का, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का क्या होगा, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ सिंपली यहां पे हमारे पास एक टर्म आ गई, मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, बेसिकली, सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at atmospheric pressure, it means 760 mm of Hg। so ye kya hota hai hamara atmospheric pressure, yani ki jo normal pressure hamara hota hai atmosphere ka, is called its melting point। usko hum kya bolenge, usko hum uska melting point bol denge। ab jaise hum yahan pe example ko padha humne simply ki jo ice hai, ice ko agar hum kya karenge, uska temperature 0 degree celsius kar denge, then ice kya ho jayegi, melt hona start ho jayegi। so that's why is temperature ke point ko hum kya bolenge, that this is the melting point of ice। ye ice ka kya hoga, ye ice ka hamara melting point ho jayega। so I hope aapko samajh mein aa gaya acche se मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की। सो जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, मींस अ सॉलिड इनटू लिक्विड, इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन भी बोलते हैं, यानी कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन इस प्रोसेस को मेल्टिंग भी बोलेंगे, बट साथ साथ में हम इसको एक और नेम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फ्यूजन। सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्यूजन। सो आई होप आपको यहाँ पे तीनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई है, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड द फ्यूजन। सो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सो देखिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हीट अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, हीट अप्लाई करनी है। सो इसी हीट को हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या कराने के लिए, किसी सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कराने के लिए। सो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है, चलिए इसको हम बात करते हैं सिंपली यहां पर। सो The latent heat of fusion of a substance is the amount of heat required to convert a unit mass of the solid into liquid without a change in temperature. So, latent heat of फ्यूजन क्या होगी हमारी, सो ये वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जिसको हम सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, किसी सॉलिड के एक पर्टिकुलर मास में अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो सॉलिड का जो मास है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर सिंपली मेल्ट हो जाए विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में बिना कोई चेंज किए हुए, यानी कि हमें फिक्स्ड अमाउंट में वहां पर क्या करना है, हीट को प्रोवाइड करना है।
सो चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस टू वॉटर। सो हमारे पास क्या है, 1 kg है, किसका 1 kg है, आइस का। तो आइस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये सोलिड है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 kg सोलिड है। क्या है हमारे पास 1 kg सोलिड है, इट मीन्स हमारे पास 1 kg आइस है। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। सो नाउ टेम्परेचर कितना है हमारा, एट 0 degree Celsius। क्या टेम्परेचर है, एट 0 degree Celsius, यानी कि टेम्परेचर हमें 0 degree Celsius ही रखना है, उससे ना ही 0.1 ऊपर करना है और ना ही 0.1 नीचे करना है, ये हमारा फिक्स टेम्परेचर रहेगा। सो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी साइज को, तो हमें अराउंड 334 kJ हीट क्या करनी पड़ेगी, उस आइस को देनी पड़ेगी, यानी कि आइस इतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी, देन आफ्टर रीच वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट मींस 334 kJ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 0 degree Celsius। सो ये हमारे यहां पे क्या हो जाएगी, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी कि अगर हमें आइस का क्या करना होगा, आइस का अगर हमें 1 kg आइस को क्या करना होगा, वॉटर में कन्वर्ट करना होगा एट 0 degree Celsius, देन हमें इतनी अमाउंट हीट की क्या करनी पड़ेगी, वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इतनी हीट हम देंगे देन तभी वो आइस क्या कर पाएगी, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, यानी कि 0 degree Celsius पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ पे अब अच्छे से क्लियर हो गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, देन यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोसेस। सो हम बात करते हैं कैसे एक लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है हमारी फ्रीजिंग। सो जैसा आप सभी ने घर पे एग्जांपल देखा होगा, सो आप सिंपली क्या करते हो, आपके घर में जो फ्रिज होता है, उस फ्रिज में जो फ्रीजर होता है, उसमें आप सिंपली वॉटर को किसी भी बर्तन में रख के उसको उसमें रख देते हो, देन आफ्टर सम टाइम जो वॉटर होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली आपने क्या किया, वहां पे आपने लिक्विड वॉटर को फ्रीजर के अंदर रखा, देन आफ्टर सम टाइम वो लिक्विड वॉटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली वहां पे प्रोसेस कौन सी हुई है, वहां पे प्रोसेस हो गई है हमारी फ्रीजिंग की। सो चलिए स्टडी करते हैं फ्रीजिंग में होगा क्या सिंपली। सो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच अ मटेरियल इन लिक्विड स्टेट इज चेंज्ड टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो फ्रीजिंग में क्या होगा, जो मटेरियल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब ऐसा होगा कैसे, मीन्स कि ऐसा क्यों हुआ कि जैसे हमने फ्रीजर के अंदर रखा लिक्विड वॉटर को, तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, सो जैसा हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था लिक्विड स्टेट के, सो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन शो करते हैं, बिकॉज उनके पास क्या होती है, उनके पास कुछ अमाउंट में हीट होती है परसेंट। अब जैसे हमने फ्रीजर के अंदर रखा लिक्विड वॉटर को, तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर वहां पे लो था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उन पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी थी वो धीरे धीरे वहां से क्या हो गई, वो खत्म हो गई, उनके अंदर जितनी भी हीट एनर्जी थी वो सारी वहां से क्या हो गई, वो वहां से बाहर निकाल ली। सो दैट्स व्हाई कि वो पार्टिकल्स क्या हो गए, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो गए, वो एक दूसरे के क्लोज आने लगे और वो सिंपली क्या हो गए, वो सिंपली सॉलिडिफाई हो गए। नाउ व्हेन लिक्विड वॉटर इज कूल्ड बाय लोवरिंग इट्स टेम्परेचर, इट स्लोली सॉलिडिफाइज इनटू आइस। सो जब हम लिक्विड वॉटर को कूल करते हैं, कूल करेंगे यानी कि उसका टेम्परेचर लो करेंगे, देन वो स्लोली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो आइस में सॉलिडिफाई हो जाएगा। नाउ दिस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड वॉटर टू सॉलिड आइस टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 degree Celsius। अब जो प्रोसेस हो रही है फ्रीजिंग की, यानी कि जहां पे लिक्विड वॉटर स्लोली सॉलिडिफाई हो रहा है आइस में, ये
कब होगी? जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है देन ये प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, जैसे टेम्परेचर क्या होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो देखिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हो रही है फ्रीजिंग भी, इट मींस यहां पे भी क्या है, एक टेम्परेचर का पॉइंट होगा और इस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इट मींस वो टेम्परेचर का पॉइंट जब कभी भी या उस टेम्परेचर के पॉइंट पे कोई भी हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वो सोलिडिफाई हो रहा है, मींस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो हम सिंपली कैसे यहां पे डिफाइन कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज चेंज्ड टू अ सॉलिड अंडर अ गिवन प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, तो जरूरी नहीं है कि सभी सॉलिड का एक ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, नहीं, डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का क्या होता है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उसी तरह से जो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स होंगे उनका उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो डिफरेंट ही होगा। जैसे कि मैं सिंपली बात करता हूं लिक्विड वॉटर की, सो लिक्विड वॉटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स व्हाई अभी हमने पीछे भी स्टडी किया था कि वॉटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो सिंपली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वॉटर का वो भी क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम होते हैं वॉटर के लिए, वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और वॉटर का मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कैसे एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रोसेस पे। सो यहाँ पे हम सिंपली बात करेंगे कैसे एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देख लीजिए उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। सो जैसे अभी हमने पीछे स्टडी किया तो हमारे पास क्या है, जैसे कि फ्रीजिंग आ गया एक प्रोसेस मेल्टिंग हो गया और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। सो नाउ जब हम बात करेंगे एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है, वेपर्स में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है। अब ऐसा नहीं कि दोनों प्रोसेस सेम है, हाँ दोनों प्रोसेस में होगा एक ही वर्क, यानी कि एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, बट दोनों थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो बात करते हैं उन्हीं प्रोसेस की। सो एक प्रोसेस तो होती है हमारी इवेपोरेशन और एक प्रोसेस होती है हमारी बॉइलिंग। सो चलिए दोनों प्रोसेस को वन बाय वन हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात करता हूं इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस विदाउट नेसेसरीली रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होगा, एक वो प्रोसेस होगा जहां पे एक लिक्विड गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बट जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे सो बेसिकली जो वहां पे हीट प्रोवाइड करेंगे, जो टेम्परेचर होगा, वो जरूरी नहीं है कि उसको हमें बॉइलिंग पॉइंट तक ही ले जाना पड़े। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवेपोरेशन क्या हो सकता है आपका, किसी भी टेम्परेचर के पॉइंट पे हो सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग में भी क्या होगा, बॉइलिंग भी आपका एक वो प्रोसेस होगा जहां पे एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। सो बॉइलिंग की प्रोसेस कब होगी हमारी, बॉइलिंग की प्रोसेस हमेशा कहां पे होगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगी। जैसे कि मैं सिंपली बात करता हूं यहां पे एग्जांपल की, सो लाइक द जैसे वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हमें क्या करना है, वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है, सो दो चीजें होंगी हमारे पास, या तो हम इवेपोरेशन करें। इवेपोरेशन का मींस क्या है, हम सिंपली वाटर को किसी भी एक लार्ज कंटेनर में फिल करके उसको रख देंगे ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, देन वो धीरे-धीरे वहां से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इट मींस जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ना, वो हमारी क्या है, स्लोली प्रोसेस है, यानी कि वो बहुत स्लो होगी, बहुत धीरे-धीरे से होगी। यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू वाटर बहुत ही स्लोली स्लोली बहुत ही धीरे से किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं सिंपली बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग में क्या होगा, बॉइलिंग में जैसे ही हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे, देन वो सडनली एकदम से क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगी बॉइलिंग की, ये बहुत ही ज्यादा
फास्ट प्रोसेस होगी एज कंपेयर टू दी इवेपरेशन। बस यहां पे मैं क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं टेम्परेचर को वॉटर के बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको दोनों ही प्रोसेस अच्छे समझ में आ गई है, इवेपरेशन एंड बॉइलिंग। सो नाउ अब आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इवेपरेशन और बॉइलिंग से रिगार्डिंग। नाउ अब जैसा हमने अभी प्रीवियस केस में स्टडी किया था, सो वहां पे हमारे पास क्या था, हीट की एक अमाउंट थी। सो देखिए यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने हीट नहीं दी तो इसके अंदर तो हीट की कोई अमाउंट की रिक्वायरी नहीं थी यहाँ तो, और हम हीट को क्या कर रहे हैं, हीट को बाहर निकाल रहे हैं टेम्परेचर को क्या करके, लोअर करके। बट यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हीट होती है उस हीट को क्या बोलते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी सिंपली, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इंटू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। सो क्या करना सिंपली, किसी भी लिक्विड की एक गिवन अमाउंट को, यानी कि किसी भी लिक्विड के गिवन मास को कितनी हम हीट प्रोवाइड करें कि वो उसका जो कंप्लीट मास है किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। सो उस हीट की अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सिंपली बात करता हूं यहां पे, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वॉटर इज 2260 किलोजूल्स पर केजी। सो जो वॉटर होता है नॉर्मल, जो हमारा वॉटर होता है ड्रिंकिंग वॉटर की मैं बात कर रहा हूं सिंपली, सो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो कितनी होती है, 2260 किलोजूल्स पर केजी। इट मींस अगर मेरे पास क्या है, 1 केजी वॉटर है, देन अगर मैं उस 1 केजी वॉटर को क्या करूं, इतनी हीट दूं, क्या करूं मैं उसको, इतनी हीट दूं, कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन वो 1 केजी वाटर कंप्लीटली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में या वेपर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो आई होप आपको यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक्स, देन यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ सो आज के इस लेक्चर को हम सिंपली यहीं पे फिनिश करते हैं। सो यही सब टॉपिक्स हम डिस्कस किए आज के हमने लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपली बात करेंगे, सो देखिए कुछ पॉइंट्स तो मैंने इवेपरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस के यहीं पे ही बताएं आपको। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंपली एक कंपैरिजन को स्टडी करेंगे इवेपरेशन और बॉइलिंग के बीच में, देन आफ्टर विच हम कुछ फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इवेपरेशन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन आफ्टर विच कुछ और हमारी प्रोसेसेस बची हुई है, जैसे कि एक वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, या फिर एक सॉलिड का डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होना, गैस में, या एक गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना। सो कुछ और प्रोसेसेस हमारी बची हुई है, सो उन प्रोसेसेस को हम सिंपली नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विच आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, एंड प्लीज रिवाइज ऑल दिस लेक्चर्स दैट सिंपली जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, सो ये लेक्चर नंबर 4 था हमारा, सो प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स हैं सो उनको प्लीज रिवाइज करें टाइम टू टाइम, एंड इस लेक्चर में भी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उनको भी प्लीज रिवाइज करें, एंड सभी लेक्चर्स से सिंपली अपने नोट्स पॉइंट्स को आप सिंपली प्रिपेयर करें, उनको रेडी करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।